रहीम अस्सलामुअलैकुम। तौफीक विद कुकिंग चैनल में आप लोगों का वेलकम है जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप जो बना रहे हैं तो ये है पालक दाल बना रहे हैं मिक्स और बहुत ही टेस्टी बनती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना तकरीबन 2 गुठलियाँ मैंने ली थी लहसुन की, मैंने इसको जो है ना बारीक चॉप करके काटा था और अभी इसमें जो है ना ब्राउन कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अभी इसमें जाएंगे तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे वो इसमें जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको जो है ना धीरे धीरे से इनको भून लेंगे। मैंने इनसे जो है ना टमाटर से छिलके उतार लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप लोग जो है ना छिलका और ना भी उतारे तो कोई बात नहीं है। तो फिलहाल मैंने इनके जो है ना यहाँ से जो है ना छिलके उतार लिए। मैंने ऐसे जो है ना माशाल्लाह पेस्ट बनाना है। तो मैंने तकरीबन चने की दाल और पालक और जो है ना प्याज, मैंने तीनों चीज़ें जो है ना एक साथ जो है ना बॉयल कर दिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अगर मेरे चैनल पे नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबा के, ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी तहे दिल से दुआ है, आमीन सुमा आमीन। जहाँ भी रहो खुश रहो आबाद रहो, साथ साथ मुझे भी दुआ में शामिल कीजिएगा। तो ये तकरीबन जो है ना यहाँ इसका पेस्ट बनेगा, पेस्ट इसका बनेगा और ये इसमें जो है ना ये गल जाएंगे टमाटर। और ये जो है ना मैंने इसका लहसुन जो है ना मैंने इसमें डाल दिया था और ये जब तक भून नहीं जाता तो इसमें और चीज़ें शामिल नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसको जो है ना हम ये पकाएंगे, उनके बाद आप लोगों के साथ मिलते हैं और चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। मसाला मैंने भून लिया है तो अभी इसमें मसाले ऐड करते हैं। नमक 1/2 टीस्पून है, थोड़े से धनिया है साबित और ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी तो इसमें जो है ना लाजवाब है, तो ये स्किप ना कीजिएगा। ये कसूरी मेथी पालक में बहुत ही ज़्यादा जो है ना सूट करती है। लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और ये है मिक्स मसाला जो है ना साबित मसाला तकरीबन 1/2 टीस्पून। तो सारी चीज़ें इसमें जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। पालक मेरी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो गई है। इसमें प्याज भी था वो थोड़ा सा जो है ना गल चुका है और पालक और जो है ना दाल जो है ना वो साबित खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, गल गई है। तो ये जो है ना पालक और दाल जो है ना ज़रूरी होता है बॉयल करने के लिए। बहुत ही जो है ना इसमें जीत वगैरह जो भी होते हैं ये जो है ना मर जाते हैं और ये जो है ना अच्छी तरह से बॉयल हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी जो है ना इस पालक को जो है ना बॉयल किया करें ताकि ये अच्छी बन जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। बॉयल होने के बाद ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग इसको जो है ना 4 चांद लगा दें और ये बहुत ही टेस्टी है। और जितने भी आप मसालों की क्वांटिटी रखें, आपके जितने घर में मसाले हैं उतने हिसाब से डालिए अपने मसाले, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है, लाजवाब ही बनती है। अभी इसमें मैं शामिल करूंगा आलू भी। आलू जो है ना मैंने इसको बॉयल नहीं किया था, मैंने इसमें डाल के जो है ना हल्की आंच पे इसको पकाऊंगा तो इसमें आलू भी अल्हम्दुलिल्लाह गल जाएंगे। मसाला हमारा मिक्स हो गया है तो अभी इसमें जो है ना दाल इसमें शामिल करते हैं पालक। तो इसमें जो है ना सारी चीज़ें जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसी पालक जो है ना कभी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, अपने बच्चों को भी खिलाओगे तो ये जो है ना उंगलियाँ ही चाट जाएंगे। कोई पालक का शौकीन नहीं है, वो नहीं खाता तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खाएगा इस तरह से बनाओगे तो। अल्हम्दुलिल्लाह इसको भून लेते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इनको भून लेते हैं, फिर आप लोगों से के साथ ही मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उनके बाद जो है ना डिश आउट करके आप लोगों को दिखाएंगे। हल्की आंच में पकाना है, इसको तेज़ आग नहीं देनी है। और जब तक ये आलू हमारे गल नहीं जाते तो अब इसमें जो है ना कुछ भी नहीं डालेंगे, ना पानी ना ऐसी कोई चीज़।
हल्की आंच पे पकाना है, जो इस तरह से बाफ नहीं होती, तो ढक्कन लगा के उसकी जो है ना बाफ और पानी होता है निकलता है बाफ का, तो वो उसमें जो है ना ये आलू भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से गल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो आलू भी गल चुका है और हमारा आलू बहुत ही टेस्टी और यमी बन गई आप लोग देख सकते हो। तो चलिए इसको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए आलू भी जो है ना ये गल चुका है, तो चलिए इनको डिश आउट करके आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो मेरी जो है ना दाल पालक की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यमी बन के रेडी है। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ बहन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।